आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है E2 मैकेनिज्म। जी हाँ, अब हम लोग E2 मैकेनिज्म के बारे में डिटेल्ड पढ़ाई करेंगे। क्या मैकेनिज्म है, क्या रेट लॉ है, ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, इसका सॉल्वेंट इफेक्ट, स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन, ये सारी बातों को अब हम लोग डिटेल में करने वाले हैं कि कहीं से भी सवाल पूछा जाए तो आप उसको लगाने में सक्षम हो। और इस बीच आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप इसको लाइक कर रहे होंगे, आप इसको सब्सक्राइब कर रहे होंगे और जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनमें इसको शेयर कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं E2 मैकेनिज्म। बच्चों, जब आप लोग E2 की बात करते हैं तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है। E2 मैकेनिज्म SN2 के एनालॉगस होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कहीं सवाल में इसको टिक करने को आए तो आप जरूर इसको टिक करिएगा। इट इज एनालॉगस टू SN2। तो एनालॉगस है लेकिन सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, कहां डिफरेंस है? तो डिफरेंस जो होता है बच्चों, वो लाई करता है अटैकिंग स्पीशीज पर। जो E2 एलिमिनेशन होता है वहां पर भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज चाहिए होता है, SN2 में भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज चाहिए होता है एज एन अटैकिंग स्पीशीज। लेकिन E2 में ये जो अटैक होता है ये हाइड्रोजन पर होता है और SN2 पर जो अटैक होता है वो सबस्ट्रेट के कार्बन पर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है जब हाइड्रोजन पर अटैक करती है तब वो E2 मैकेनिज्म हो जाता है और कार्बन पर अटैक करती है तो SN2 हो जाता है। जो ये वन स्टेप प्रोसेस है, इसको थोड़ा और हम फंडामेंटल तौर पर आपको दिखाते हैं। यहां पर हमने ऊपर E2 मैकेनिज्म शो किया, आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट सेम है ऊपर नीचे। यहां पर ये अल्फा कार्बन से हैलोजन जुड़ा है या कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा है, यहां भी अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है जो देखिए बीटा कार्बन, आप समझ सकते हैं ये अल्फा कार्बन है जहां से एक्स जुड़ा है, लिविंग ग्रुप जुड़ा है, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन है और उससे जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है कार्बन पर ना अटैक करके जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस बीटा हाइड्रोजन को डोनेट करता है उसी समय ये जो बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लोट कर जाते हैं अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में। और इसी बीच साइमल्टेनियसली ये जो एक्स लिविंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर चला जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक ही स्टेप में यह प्रोसेस अकॉम्प्लिश होता है। ऑन द अदर हैंड SN2 में अगर आप देखें तो यहां भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की आवश्यकता है, वही अटैकिंग स्पीशीज है, लेकिन ये लोन पेयर अपना बीटा हाइड्रोजन को नहीं देता, ये जाकर अल्फा कार्बन पर बैक साइड अटैक करता है। और जब ये अटैक करता है फाइनली ये जो एक्स लिविंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन पेयर लेके वापस चला जाता है। तो ये दोनों ही वन स्टेप प्रोसेस है, दोनों में ही एक इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग स्पीशीज और सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, लेकिन जो साइट ऑफ अटैक है वो दोनों की डिफरेंट है। आपको यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दें, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हाइड्रोजन पर अटैक करती है तो उसका नाम बेस होता है और जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज वो कार्बन पर अटैक करती है तो बच्चों उसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो यहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको बता दिया, सबसे महत्वपूर्ण कि बेस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अगर आप प्रोटॉन पर अटैक करते हैं, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो आप बेस होते हैं, और अगर आप कार्बन को डोनेट करते हैं तो आप न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। अब इसके और हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, हमने आपको मैकेनिज्म बताया कैसे वन स्टेप प्रोसेस है, इसका ट्रांजिशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। आप समझिए क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट एक बदलाव की अवस्था होती है। कोई भी सिंगल स्टेप जो प्रोसेस होता है वो हमेशा एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरता है, हमेशा एक एनर्जी हिल से गुजरता है।
तो कोई भी सिंगल स्टेप प्रोसेस हमेशा एक एनर्जी बैरियर, एनर्जी हिल से गुजरता है, और ये जो टॉप की पोजीशन होती है इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और यही बदलाव की पोजीशन होती है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। और ये ट्रांजिशन स्टेट हमने E2 मैकेनिज्म का यहां ड्रॉ किया है, यहां पे 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। कैसे, इसको ध्यान दें, जब हम बोलते हैं 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है तो 5 एटम से बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना जुड़ा होगा। एटम और भी होंगे लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? 5 लोग जिनसे बॉन्ड टूट रहे होंगे या बन रहे होंगे। तो यहां पर आप ट्रांजिशन स्टेट देखिए, ये बच्चों बेस आ चुका है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस बीटा हाइड्रोजन को दे रहा है, और यहां पर इनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो रहा है। तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, कौन सा? सिग्मा। और जैसे जैसे ये बेस इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन को, बच्चों ये हाइड्रोजन की कमी पूरी होती है और वो बीटा कार्बन वाला जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन वापस करता है, वो दे देता है कार्बन को। तो यहां बेस से लेता है और ये हाइड्रोजन कार्बन को दे देता है, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये सिग्मा बॉन्ड यहां बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो हाइड्रोजन लौटाता है बीटा कार्बन को, ये बीटा कार्बन अपने ऊपर इकट्ठा नहीं करता, ये बीटा कार्बन इसको अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में फ्लोट करवा देता है। तो ये देखिए पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, और ये जैसे जैसे पाई बॉन्ड का साइमल्टेनियस निर्माण होता है, ये जो अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जा रहा होता है, तो ये वाला पाई बॉन्ड भी बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो यहां पर आप देखें कि इस पूरे मंजर में जो ट्रांजिशन स्टेट का है वहां कितने एटम इन्वॉल्व है? 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिनसे पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, जो कि ट्रांजिशन स्टेट की बहुत विशेषता है। और आप देख सकते हैं ये सबस्ट्रेट से 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, और एक पाई बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार की आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, ये खास बात है। अगली जो इसकी इंपॉर्टेंट खासियत है बच्चों, वो है कि E2 जो एलिमिनेशन होता है वो एंटी पेरी प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन से होता है। अब देखिए एंटी पेरी प्लेनर का मतलब क्या होता है, इसीलिए इसको एंटी एलिमिनेशन भी हम लोग बोलते हैं। आप सोचिए ये जो हाइड्रोजन सबस्ट्रेट से बाहर जा रहा है और ये जो लीविंग ग्रुप सबस्ट्रेट को छोड़ के बाहर जा रहा है, ये दोनों एंटी पोजीशन से जा रहे हैं। आप इस कॉन्फॉर्मेशन को देखें, हमने यहां पर एक आपको कॉन्फॉर्मेशन बनाया है, हमने आपको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन बनाया है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ऐसे जा रहा है तो उसका एंटी पोजीशन आप देख सकते हैं 180 डिग्री ये एंटी पोजीशन हो गई, और एंटी पोजीशन से ये लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, और इसी को बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। अब देखिए पेरी प्लेनर का क्या मतलब है, पेरी प्लेनर का मतलब ये होता है कि यहां पर जो जा रहा है हाइड्रोजन इधर से और लीविंग ग्रुप इधर से, वो एक ही प्लेन में है, और ये सारे कार्बन। अब आप देखिए ये जो 5 एलिमेंट हैं, ये जो 5 एटम हैं, सब एक ही प्लेन में, ये बेस, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये लीविंग ग्रुप, सब पेरी प्लेनर हैं, और कैसे जा रहे हैं? एंटी पोजीशन से, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन, एंटी पेरी प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन से। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबिलाइज करता है बच्चों। कैसे स्टेबिलाइज करता है? अब बात समझे, बेस जब अटैक करता है प्रोटॉन पर तो बेस के पास खुद ही बहुत इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड लेके आता है। जब लीविंग ग्रुप डिपार्ट करता है, आप देख सकते हैं बेस के ऊपर ही पार्शियल नेगेटिव है, लीविंग ग्रुप के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है, और लीविंग ग्रुप जब बाहर जा रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेकर जा रहा होता है। अगर सेम साइड से अगर वो इंटर करता और ये बाहर निकलता तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन होता और इस रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती और ट्रांजिशन स्टेट डीस्टेबलाइज हो जाता, एनर्जी हिल की ऊंचाई बढ़ जाती और ऊंचा हिल आपको क्रॉस करना पड़ता जिससे रफ्तार स्लो हो जाती।
तो रिएक्शन कुछ ऐसा कॉन्फॉर्मेशन एडॉप्ट करता है जिनसे आपस में लोगों के सौहार्द रहे, भाईचारा रहे, आपस में झगड़ा ना हो। तो उसी के कारण एक बेस यहां से जब आ रहा है तो लीविंग ग्रुप उल्टी पोजीशन से जा रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कोई झगड़ा ना हो और सब कुछ आराम से हो जाए, इसलिए ये एंटी पेरिप्लेनर होता है। अगला जो एक इंपॉर्टेंट यहां पर फीचर है वो इसका रेट लॉ। बच्चों जब E2 मैकेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि इसका जो रेट है वो सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर 1 के, और बेस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके भी कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर 1। ये एक्सपेरिमेंटल है और यही होना भी था क्योंकि ये SN2 का एनालॉगस है, वहां पर भी सबस्ट्रेट पर और न्यूक्लियोफाइल पर दोनों पर पावर 1 से रेट डिपेंड करती है। तो यहां पर सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बेस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, और ओवरऑल इसीलिए इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ये एक एलिमेंट्री प्रोसेस होता है, एक ही स्टेप में घटित होने वाला प्रोसेस होता है, और इसीलिए यहां पर जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो ऑर्डर के बराबर होती है। मॉलिक्यूलैरिटी यानी जो एक स्टेप है जो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, तो एक तो सबस्ट्रेट का इन्वॉल्व होता है और एक बेस का, इसीलिए इसको E2 एलिमिनेशन बोलते हैं, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। और एलिमेंट्री प्रोसेस में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ऑर्डर भी होता है, इसीलिए ये एक सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस है। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन ऑफ E2 एलिमिनेशन, जहां पर हमने आपको इसका मैकेनिज्म, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसका जो एंटी पेरिप्लेनैरिटी है, रेट लॉ है, ये सब एक्सप्लेन किया है। अगला टॉपिक इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर आधारित होगा, जहां पर और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कि स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्टीरियो सिलेक्टिव है, क्या है, किस प्रकार से हम लोग उसके फिशर पोजीशन बनाएंगे जब प्रोडक्ट बनता है, ये सारी बातें हम लोग अगले टर्न पर करेंगे। और इस बीच आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कर रहे होंगे। आपका सहयोग बहुत जरूरी है चीजों को आगे ले जाने के लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको दूसरे नीडी स्टूडेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।